हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं राधा कृष्णा फोटो एडिटिंग। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना राधा के साथ कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया जाए एंड काफ़ी कमाल का इस बार का पिक को एडिट किया जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है एंड सबसे डिफरेंट लग रहा है। तो चलिए गाइस, इस टाइप से एडिट करना मैं आप लोग को बताता हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल भी करने वाला ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एंड गाइस, आज का वीडियो आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो कोई भी पॉइंट को पकड़ नहीं पाएंगे और अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है गाइस, अगर जो ये वाला एडिटिंग कर लेते हैं तो काफ़ी कमाल का आप लोग का जो है इंस्टाग्राम ग्रोथ होगा एंड काफी अच्छे तरीके से वायरल होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस आप लोग के प्यार और सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, मैं हार्ड हार्ड कॉन्टेंट आप लोग को रोजाना देता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो भाई लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपना ओरिजिनल फोटो ले लेना है, ठीक है। ये रहा मेरा ओरिजिनल फोटो एंड देख सकते हैं फेस वगैरह हर एक चीज़ एंड मेरा पोज वगैरह, ठीक है। तो गाइज यार देखिए, सबसे पहले करना क्या है, हमें ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा थोड़ा सा भी, इतना ही मैं आप लोगों से कहूँगा। देन अभी आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइट रूम के अंदर शेयर करके और ये ग्रीन वाला और येलो वाला का जो टेम्परेचर है या फिर कलर है उसको पूरा मतलब लो कर देना है, ठीक है। लो करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड जो है वाइट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमेशा सभी लोग जानते ही हैं, हल्का फुल्का चीज़ है, ये चीज़ आप लोग कर लीजिए। देन इतना होने के बाद आप लोगों को ये पिक जो है सेंड कर देना है फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए, इसको सेंड करते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर जिससे हमारा बैकग्राउंड जो है कट आउट हो जाए, ठीक है। क्योंकि गाइस हमें बैकग्राउंड चेंज यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी फोकस किया जाता है हल्का फुल्का चीज़। एंड गाइस, बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि फोटो रूम के अंदर जो है अपना बैकग्राउंड कटआउट करने पे क्वालिटी जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है गाइस, बट 2% लॉस होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रेमनी एप्लीकेशन का यूज़ करके उसको रिकवर कर लेंगे क्वालिटी को, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे वाइट, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट तीन ऑप्शन सामने दिख रहा है, बट हमें यूज़ करना है ये वाला ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। इस दोनों को नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस, अब ये अपना इमेज जो है इसको आराम से थोड़ा सा साइड करेंगे। एंड गाइस, सिंपली कोने में जो एरो दिख रहा है आप लोगों का, उसके ऊपर क्लिक करके और इसको क्या करेंगे, सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जिससे अपना इमेज जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अब देखिए गाइस, करना क्या है, यहाँ पे आराम से आप लोग इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि बैकग्राउंड को कटआउट कैसे किया जाता है बिल्कुल एक क्लिक के अंदर, ठीक है। एंड गाइस, बाद में देखिए अब उसके आगे का प्रोसेस क्या है, मैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आराम से देखिएगा समझिएगा। तो गाइस यार, हमारा बैकग्राउंड जो है कटआउट हो चुका है और ये रहा हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको सेंड करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड वाले ऑप्शन पे टच करके इसको पिक को सेंड कर देंगे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये रहा पिक्स आर्ट, पिक्स आर्ट के अंदर हमें इसे क्या करना है ध्यान से देखते रहिएगा। देन सिंपली अभी क्या करना है, नीचे की तरफ टूल्स का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे गाइस एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आप लोग को प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये साइज़ मैं कभी भी रखता हूँ अपने इमेज को एडिट करते टाइम। एंड गाइस, थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और राइट के आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस, सेव होते ही अब देखिए फोटो को रिसाइज कर लेते हैं, क्योंकि गाइस यार हम लोग बैकग्राउंड चेंज वाला फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कभी नोटिस किया जाता है, जब भी आप लोग बैकग्राउंड चेंज या फिर कुछ ज़्यादा पीएनजी वाला फोटो एडिटिंग कर रहे हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहला काम यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा टूल्स वाले ऑप्शन पे। एंड गाइस, नीचे की तरफ रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह लिखा होगा, इसको कट करके और यहाँ पे 5000 लिख के गाइस रिसाइज पे दो बार टैप करेंगे, जिससे हमारा लास्ट मेगा पिक्सल जो है शो होगा अपने इमेज का यानी बैकग्राउंड का। 30/98 शो हो रहा है, 30/98 करके रिसाइज पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा इमेज जो है रिसाइज हो जाएगा। अब इसके ऊपर जितना भी वर्क करें फटने वाला नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी पे अपलोड करें, व्हाट्सअप DP भी लगाएंगे तो नहीं फटेगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है गाइस, अपना इमेज जो है यहाँ पे ऐड कर देना है, जिसको हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड कटआउट किया है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, उससे पहले क्या करेंगे, इरेजर पे क्लिक करके गाइस और यहाँ पे जो फोटो रूम लिखा हुआ है इसको कट कर देंगे, ठीक है। और गर्ल का इमेज लगाने से पहले अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से इतना पे एडजस्ट कर देना है। इतना पे एडजस्ट होने के बाद गाइस देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है,
राइट आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना। थोड़ा सा इधर की तरफ झुका देते हैं एंड इसको गाइस सेव कर देंगे अब राइट आइकन पे क्लिक करके। एंड गाइस अब देखिए करना क्या है, नीचे की तरफ आप लोग को रिटच का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा आराम से देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो रिटच वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को सिंपली स्लाइड कर देना है, आप जाएंगे हेयर कलर वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। हेयर कलर का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर टच कर दीजिएगा। टच करते ही गाइस फर्स्ट में जो कलर का सिस्टम आप लोग को देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रेड कलर जो है सिलेक्ट करके राइट के आइकन पे जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करते ही गाइस हमारा हेयर जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें हेयर रेड नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैक का, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे हेयर के ऊपर से हट जाएगा। हटने के बाद गाइस सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ मैनुअल का ऑप्शन है इसके ऊपर टच कर देना है। टच करके लिप्स जूम करेंगे और नीचे वाला लिप्स जो है कलर कर देंगे, ठीक है। आसानी से जो कलर हमारे हेयर के ऊपर था उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन सिंपली ये सेचुएशन जो है 100% अमाउंट अपने हिसाब से 20-25 करके राइट के आइकन पे क्लिक करके गाइस सेव कर देंगे, ठीक है। तो गाइस यार इतना हो गया। अब बात आता है अपने बॉडी को कृष्ण भगवान वाले लुक में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखिए गाइस करना क्या है, ठीक है। तो जो जो PNG में ऐड करूँगा एक एक करके वो चीज़ मैं आप लोग को देता जाऊँगा, कहाँ पे मिलेगा अभी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। तो कुछ PNG यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 PNG का इस डाउनलोड किया हूँ, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऊपर रखेंगे, इसको भी यहाँ पे ऊपर रखेंगे, और गाइस यार ये इधर और ये पंख भी इस साइड और ये भी इस साइड, ठीक है। सबसे पहले ये माला वाला जो PNG है हमारा इसको ऐड करेंगे, तो ठीक है गाइस इसको फ्लिप रोटेट करके मैं इधर की तरफ घुमा देता हूँ, नीचे की तरफ फ्लिप रोटेट है एंड इस पर क्लिक करके इधर की तरफ घुमा देंगे। एंड गाइस इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करना है, अच्छे से एडजस्ट करने के बाद गाइस करना क्या है देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एंड इतना पे होने के बाद गाइस अभी भी अच्छे से ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है गाइस। एंड इतना पे होने के बाद इरेजर पे क्लिक कर देंगे ऊपर की तरफ एंड सिंपली यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे स्क्रीन के ऊपर, सॉरी हमारे स्किन के ऊपर यहाँ पे उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो एंड उसके बाद से करना क्या है, नीचे की तरफ देख सकते हैं इरेजर का ऑप्शन के अंदर आके और इतना जो पार्ट है उसको अच्छे से कर देंगे और इधर का पार्ट जो है इसको भी अप्लाई कर देंगे अपने फिंगर के नीचे, ठीक है। क्योंकि गाइस जिससे पता चले कि हमारा जो इमेज है एंड हैंड वगैरह है वो हमारे माला के ऊपर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एंड गाइस इधर भी उसी टाइप से हम लोग कर देंगे। अब देखिए गाइस हैंड के नीचे आ गया माला। एंड गाइस अब देखिए करना क्या है, राइट आइकन पे क्लिक करके सेव नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि गाइस इतना सब जो PNG है ये भी सब सेव हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बाली वाला जो PNG है इसको ऐड करेंगे, एक इरेज कर देते हैं एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि गाइस सब छोटा मोटा चीज़ ध्यान देंगे तो जल्दी से हमारा जो है इमेज कंप्लीट होगा, ठीक है, और बेकार भी नहीं होगा। अब इसको बाली को कान पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद से ये वाला जो PNG है मोर्ग वाला, उससे पहले ये हाथ के अंदर लगा देते हैं गाइस कुछ इस टाइप से, नहीं तो इधर की तरफ कर देते हैं। देखिए गाइस कुछ इस टाइप से लगा देना है आप लोगों को। एंड गाइस इसका ऑपेसिटी हल्का सा कम कर देंगे। अब देखिए गाइस करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाला जो PNG आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इसको ले आके यहाँ पे कर देंगे। उससे पहले इसको इरेज पे क्लिक करके और हार्डनेस को 100% करके गाइस इतना जो पार्ट है इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको ले चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ले जाने के बाद इसका भी ऑपेसिटी हल्का सा कम कर देंगे 10%। एंड गाइस ये वाला जो पंख है इसको अच्छे से यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा मूव डाउन कर देंगे और इसको छोटा कर दीजिएगा अपने हिसाब से रखिएगा। एंड गाइस रखने के बाद इसका डुप्लीकेट पार्ट बनाएंगे जो कि इरेजर के बगल में जो ऑप्शन है उसी के थ्रू क्लिक करके और इसका डुप्लीकेट पार्ट बना के एक छोटा करके यहाँ पर लगा देंगे और मूव डाउन कर देंगे गाइस। एंड गाइस इतना होने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा कृष्णा जी वाला कुछ लुक आ चुका है। एंड गाइस अब अपने राधा को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके मैं PNG दे दूंगा आसानी से, वो भी मैं फ़ोटो रूम से इरेज करके ही रखा हूँ, ठीक है। तो ये रहा गाइस हमारा राधा वाला जो PNG है, इसको क्या करेंगे फ्लिप रोटेट करके इधर की तरफ घुमा देंगे और कुछ इतना पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस इतना पे होने के बाद थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इसी टाइप से आप लोग करना है।
थोड़ा सा छोटा रखेंगे अपने, मतलब अपने बॉडी से थोड़ा सा छोटा रखेंगे ये गर्ल वाला बॉडी, ठीक है। इतना पे होने के बाद देख लीजिएगा, अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं देख रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस। अब देख सकते हैं अच्छे से ऐड हो गया है, फिर अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं। अब देखिए गाइस बिल्कुल अच्छे से ऐड हो चुका है, एंड राइट का आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस इमेज को क्रॉप करके थोड़ा सा गर्ल की तरफ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद गाइस करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और ग्रास वाला जो पीएनजी ऐड फोटो पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे एक जगह जो है हमारा मेंटेन हो जाए। ये वाला ग्रास जो है इधर की तरफ लगा देंगे। एंड गाइस इतना होने के बाद एक बांसुड़ी वाला जो पीएनजी है, ठीक है, फ्लूट वाला, तो उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, हैंड के अंदर। ये रहा, ये चीज़ अभी अधूरा दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आके FLUTE, फ्लूट मतलब होता है बांसुड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो बांसुड़ी है इसको ऐड करेंगे, कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे, नहीं तो मैं दूसरा ऐड कर लेते हैं जो थोड़ा सा और बेस्ट लगे। ये वाला, ये भी सही नहीं है गाइस, तो अच्छे से देख के ऐड कीजिएगा जो कि मैं कर रहा हूँ। इसको भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ ये बेस्ट लग रहा है, तो इसको कट करते हैं। एंड गाइस इसको ऊपर की तरफ करके, नहीं तो इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। एंड गाइस इसको हैंड के अंदर अच्छे से एडजस्ट करके इरेजर पे क्लिक करके गाइस, और इतना जो पार्ट है इसको इरेज कर देंगे फिंगर के ऊपर का, जिससे लगे कि हमारा बांसुड़ी जो है हैंड के अंदर है। एंड गाइस इधर का लड़की के ऊपर का भी पार्ट थोड़ा सा इरेज करेंगे, जिससे लगेगा कि लड़की हमारा बांसुड़ी जो है पीछे की तरफ है, ठीक है। एंड गाइस राइट के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब देखिए हमारा इमेज जो है बनके रेडी हो चुका है। अब बात आता है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सिंपली ड्राव टूल वाला ऑप्शन के अंदर आके थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। एंड गाइस और स्मूथ वाला बात आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रेमनी एप्लीकेशन का यूज़ करके स्मूथ कीजिएगा उसको, ठीक है, जिससे इमेज का जो है क्वालिटी डाउन ना हो। तो अभी देखिए क्या करना है, इस वाले पीएनजी को सेंड कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैचिंग कराने के लिए करना क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को आ जाना है कलर वाला ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा दे देना है टेम्परेचर 10%। एंड गाइस यहाँ पे ह्यू जो है उसको, नहीं सॉरी, टीन को माइनस करना है थोड़ा सा, जिससे हमारे फेस का कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड गाइस आ जाना है फेस कलर के अंदर, और थोड़ा सा लाइट कम और थोड़ा सा, मतलब सिचुएशन कम और लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और गाइस यार थोड़ा सा ब्लू, सॉरी, रेड की तरफ, एंड ये वाला जो कलर है इसको ऑरेंज की तरफ करेंगे, हमारे लिप्स वाला कलर जो है, और येलो वाला जो कलर है इसको छोड़ देंगे। एंड ग्रीन वाले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं गाइस। एंड इतना होने के बाद करना क्या है, हमारा ये वाला जो टी शर्ट का कलर है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सॉरी क्लॉथ का, शर्ट का, जो भी है। एंड गाइस आएंगे लाइट के अंदर, और सबसे लास्ट में जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे, और कॉन्ट्रेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और आएंगे इफेक्ट के अंदर क्लियरिटी को थोड़ा सा माइनस करेंगे, और डैश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइस। एंड गाइस विगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, इसी टाइप से कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, जिससे हमारे इमेज जो अट्रैक्टिव दिखने लगे। एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे 60 तक, और डिटेल्स को 100%, और मास्किंग को हल्का सा बढ़ा देंगे, एक फिंगर मास्किंग के ऊपर रख के एक से खींचिएगा। एंड गाइस नॉइस रिडक्शन है इसको 30 तक कर दीजिएगा, और कलर नॉइस रिडक्शन इसको 50 तक, एंड स्मूथनेस को 100% गाइस। एंड यहाँ पे ऑप्टिक का ऑप्शन है, इसको दोनों को अप्लाई कर दीजिएगा। एंड गाइस देख सकते हैं हमारा इमेज बन के रेडी हो चुका है। इसी टाइप से आपको एडिट करना है, और एडिट करके मुझे टैग मेंशन जरूर कीजिएगा, और ऊपर राधे राधे या फिर कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी, जो भी आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और जितना भी स्टॉक लड़की का पीएनजी बैकग्राउंड वगैरह जो भी मैंने यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, ड्राइव का, जाके उस पर क्लिक करके सब कुछ डाउनलोड कर लीजिएगा, और एडिट करके इंस्टाग्राम पे मुझे टैग मैन से जरूर कीजिएगा। मैं सबका वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सबसे बेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस यार 100 कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, 100 कमेंट का टारगेट है आज का, तो उसको कंप्लीट कर दीजिए, 100 कमेंट चाहिए गाइस। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।